पुलिस ने रोक लिया भाई, गाइस पुलिस ने रोक लिया। होनी चाहिए पुलिस लोग ऐसे होता है गाइस। ये पुलिस लोग क्यों खड़ा इधर? नो डाउट दिखने के लिए थोड़ा एस्थेटिक है, पर ये देखो बीच। ओ भाई हेलो, हम लोग जा रहे हैं अभी सेरेनिटी बीच से कहीं और। आजान भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? रॉक बीच। वी आर गोइंग टू रॉक बीच। तो चलो गाइस चलते। हम लोग आते वक्त लेफ्ट राइट किया था, अभी राइट लेफ्ट कर रहे हैं। रॉक बीच जाके दिखाता हूँ भाई। ओवर ओवर क्राउडेड यहाँ से लेना है हमें फ्रेंच कॉलोनी की। अभी हम लोग जहाँ जा रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो गाइस ये है आपका फ्रेंच कॉलोनी। फ्रेंच कॉलोनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इधर फ्रेंच लोग रहते हैं और 400 साल हो चुका है, मतलब जब से ये लोग आए हैं 400 साल हो चुके हैं। नहीं नहीं तुम बोल लो, मतलब हाइप जगह ये सब। मैंने बताया कुछ नहीं बताया। ऐसा कुछ है फ्रेंच कॉलोनी, पूरा ऐसा ही सिमिलर टाइप का घर है। तो आप अगर फ्रेंच कॉलोनी मारोगे तो ऐसा टाइप का घर के सामने फोटोज लोगों का दिखेगा आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे। मतलब यहाँ का पता नहीं यहाँ पे रहते कि नहीं, लेकिन पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग हैं और ऐसा ही कुछ एस्थेटिक लाइट दिखेगा आपको। प्यारा है लेकिन बहुत साथ चिपक चिपक के नहीं है घर। नो डाउट दिखने के लिए थोड़ा एस्थेटिक है, पर इतना दूर से आना बस ये देखने के लिए, आई डोंट नो गाइस, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतना दूर दूसरों के घर देखने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रॉक बीच की तरफ। देखो पूरा एस्थेटिक टाइप है। कैफेज है अंदर, ऐसे घुसते हैं यहाँ से। चलो दिखाते, मतलब इन शॉर्ट बोले तो बहुत लंबा ऐसा सीधा रास्ता है, साइड में बीच है अलग अलग टाइप का और ऐसा साइड में दुकान वगैरह है बहुत। तो गाइस यहाँ पे ना वैसे ऐसा टाइप का बहुत सारा कैफेज है, ऐसा टाइप का देखो सुंदर है ना, बहुत प्यारा लग रहा है ऐसे। आप आपको आगे दिखाएंगे, चलो बीच का साइड। और वो है बीच सामने। ओ ये आ गया रास्ता। लोग यूजुअली यहाँ पे वॉकिंग करते हैं वहाँ से बीच का। ये वहाँ से स्टार्ट होते हैं वॉकिंग बहुत आगे। पुलिस लोग क्यों खड़ा इधर? नीचे नहीं जाने दे रहा है क्योंकि गाइस रात को थोड़ा रिस्क रहता है बीच में, बहुत ज्यादा जोर से वेव आता है। आप ये बस देखो भाई क्राउड इतना। और ऐसे आपको वॉल पेंटिंग्स दिखेगा बहुत सारे, बहुत प्यारा प्यारा रेस्टोरेंट्स भी है ये ऐसा ऐसा ऐसे बहुत सारा है इधर। सब लोग इधर चल रहे होते हैं, इधर बाइक वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। पूरा रूट पे बहुत लंबा रूट है, अब दिखाता हूँ मैं जूम करके, आप देखना वो आगे लाइट वाला वो उस तरफ से भी और आगे है वो। ऐसा ही एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स आपको देखने मिलेगा, बहुत प्यारा है भाई। होनी चाहिए पुलिस लोग ऐसे होते हैं गाइस, ऐसे ऐसे टोपी होता है इनका। और यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है। ये सबसे क्राउडेड जगह है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है शायद इधर मोस्ट प्रोबेबली। और यह कुछ आर्ट वगैरह चल रहा है, ओवर क्राउडेड है। बच्चों को कैसे बुला रहे, देखो भाई बहुत चालू है भाई। ये फॉरेन मतलब फ्रेंच बच्चे हैं ये सब। हमारे खोए हुए लोग आ चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम फोटो खींचे थे। टोटो भाई आई मिस यू। जाओ जाओ हुसैन भाई हाथ वाथ मिलाओ। हुसैन भाई गिरा दो गिरा दो। गुंडा लोग मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इस दुकान का है, विच इज ए वेरी गुड बिजनेस आइडिया। हम लोग अभी पूछने वाले हैं कि ये लोग सही में रहते हैं कि नहीं। Hungary. हुसैन भाई ने पूछ लिया भाई हंगरी से था, बच गया वो, नहीं तो हम लोग उसका इंटरव्यू ले लें। अभी के टाइम में इंडिया का बहुत पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत गर्मी है। लोगों का पसीना निकल रहा है भाई इधर। बूढ़े बूढ़े बहुत मारूंगा। अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस यहाँ से, यहाँ पे ये सब बेच रहे हैं। यहाँ अंदर आपका पूरा माल, हमेशा की तरह हमारा फेवरेट सामान उठ चुका है। ये खा के बेस्ट भाई, बेस्ट फीलिंग है भाई ये मेरा और आजान भाई का फेवरेट। ये है विला गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट, ये सब बहुत कुछ है, मतलब ऐसा कैफे वगैरह के लिए बहुत फेमस है पौंडीचेरी। इधर ना बहुत सारा स्कूटी है वैसे रेंट में मिलता है आपको। हाँ मैं यहीं से मैंने स्कूटी रेंट किया था यहीं से।
रास्ता छोटा है, ये रास्ते के हिसाब से स्कूटी सही है। ओ भाई ये देखो फ्रेंच लोगों को याद दिला रहा अपना होम टाउन का। गाइस इधर तो सीएनजी नहीं है, हमने इधर फाइनली पेट्रोल भरा लिया। वैसे मैं बोलना भूल गया, इधर एसआरएम के बहुत सारे बच्चे होते हैं इधर हर वीकेंड पे, स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा आते हैं इधर। तो भाई छुट्टी होते इधर, ये हमारे साथ ये भी फर्स्ट ईयर का ही है वैसे इसका सही टाइम है, हमारा गलत टाइम है। तो ये लेफ्ट पे देखो ना क्या सुंदर लग रहा है, ये लोग जा रहे हैं। ट्रैफिक जाम है बहुत ज्यादा, भाई छापरियों की बाइक से RC 390 इधर मिलेगा। नया ड्राइवर आ चुका है, बेबी ड्राइवर। लाइट जलाओ यार, दिख नहीं रहा है कौन बैठा इधर, पता है हरामी हो। लिटरली हम लोग 10 से 15 पेट्रोल पंप देखने के बाद हम लोग को मिला है फाइनली सीएनजी अभी यहाँ पे। पूरा पोंडिचेरी में नहीं है, महाबलीपुरम साइड में है और इस तरफ टूवर्ड्स कडलूर। सीएनजी ढूंढने का एक निंजा टेक्निक है गाइस, हर पेट्रोल पंप पे ये दिखना चाहिए तभी होता है। ये ऑटो के बारे में बोल रहा था भाई, क्या चीज है ये है कडलूर। कडलूर से देख लो चांद कैसा दिखता है। ये मस्जिद में हम लोग आए अपन सुनना, सिंपल है, कितना सिंपल है, ऐसा ही मस्जिद होना चाहिए। सब लोग का अटायर देखो कितना अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के, जीन शर्ट जूते हुसैन भाई को, और सब भाई अपना जूता दिखा, आसिम का देखो और मेरा देखो भाई। गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं खाना खाने, कडलूर का खाना ट्राई करते हैं आज। गाइस लेट्स लिसन टू द सूरा। अजन भाई का भाई काफी सालों के बाद मिले, शर्मा रहे दोनों, दोनों बाल क्यों पकड़ रहे लेकिन। अजन भाई आपको जो भी मिला है आपका दोस्त से, इसके 6 टुकड़े होंगे, इसको पीछे रख लो, तो स्वीट आइटम है तो बोला वो अभी जल्दी खा लेना अगर पाल बड़ा। हां जल्दी खा। यहाँ पे पड़ता है गाइस मेरा दोस्त। हम लोग पहुंच चुके हैं डिनर करने, बनाना लीफ रेस्टोरेंट जाते हैं अंदर, हाथ खाते हैं भाई खाना, बहुत भूख लग रहा है। खाना आ चुका है हमारा, आजान भाई का दोस्त चेक कर ले रहा हूँ क्या। चलो शुरू करते हैं हम लोग खाना, मिलते हैं आपको खाने के बाद। भाई खाना हो चुका है हमारा, एकदम स्ट्रेट रोड है ठीक है। यहाँ का रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है भाई, सुंदर है, लुक अच्छा है, शानदार है, देख सकते हो उधर भी डिजाइन वगैरह भी बहुत अच्छा है। आराम से मेरे भी छोड़ना है वो। यूजुअली मैं शुगर डाइट कर रहा होता लेकिन इसके सामने से हार जाता। खाना हो गया हमारा, वैसे अभी हम लोग निकल रहा है वापस। चलो तो चलते हैं, रात को तो कुछ नहीं दिखने वाला अच्छे से। पुलिस ने रोक लिया भाई, गाइस पुलिस ने रोक लिया, धक धक हो रहा है। सीधी लाइन पे चलना ओए, कापना नहीं। अच्छा गाइस पुलिस चेकिंग हो रहा है हम लोग का, अंदर चेकिंग हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, क्या मिलेगा क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा इधर। छुपाया आपने, छुपाया छुपाया आप कौन है ये लोग? प्रूफ प्रूफ एविडेंस भाई, पुलिस चेकिंग कर रहा है, मैं वीडियो कर रहा हूँ, फिर वो पूछ रहा है वीडियो। हाँ तो बोल रहा है तमिल में कुछ बोल रहा था, फिर हमने पूछा क्या चीज है भाई, तो फिर उसमें समझ आया, फिर वो बोल रहा है दारू के लिए भाई। ऊपर चांद और ये क्या सही व्यू आ रहा है हमारे, औसम भाई भगा रहे हैं 120 पे, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। रात के 11:30 हो रहा है, हेलो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने इलाका में, हम लोग चाय पी रहे वो सब छोड़ो। पोंडिचेरी कैसा लगा आसिम, एक एक करके बताओ। बिलो एवरेज कैसा लगा, कहाँ रहते पोंडिचेरी कैसा लगा भाई? पोंडिचेरी मुझे बहुत बुरा लगा। कैसा लगा बताओ यार, वीडियो एंड करने वाला। कुछ नहीं लगा,
लगा ही नहीं भाई को, ये तो गजब बेइज्जती हो गया। और सब भाई कैसा लगा आपको पांडिचेरी? अच्छा लगा, ठीक है। घर में बताया आजान भाई आपको कैसा लगा पांडिचेरी? ठीक ठाक, ओके। तो गाइस इसी नोट पे वीडियो खत्म होता है, मुझे तो पहले पता था मैं जा भी चुका हूँ। तो गाइस इसी नोट पे वो खत्म करते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई घर वापस सेफली आना एक बहुत अंडररेटेड ब्लेसिंग है, लोग एक्नॉलेज नहीं करते इस चीज को। सही बता, अपने ब्लॉग में ही पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। लंच किया हमने पुतेरी में जो है एक तमिलनाडु स्टेट में, और कडलोर भी इधर ही है भाई, कुछ खाया ही नहीं। पांडिचेरी में खाया ही नहीं भाई, आइसक्रीम।